राज्य सरकार और केंद्र सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश का ये हाल है कि जो इलाहाबाद में लड़के तैयारियां कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, किसान का परिवार का लड़का है, गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, शोषित है, अल्पसंख्यक है, उसकी ये स्थिति हो गई है कि वो 10-10 साल केवल तैयारी करता रहे और जब उसके पेपर देने की बारी आई वो लीक हो जाए, उत्तर प्रदेश में वैकेंसियाँ 7 साल बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की आई और ये हालत हो गई कि वो एक सही से एग्ज़ाम नहीं करवा पाए। यूपी आर ओ इतनी बड़ी परीक्षा है उत्तर प्रदेश की, उसको लीक करवा दिया इन्होंने। ये सरकार कहीं ना कहीं फेल है पेपर करवाने में और हम युवाओं का और जो हमको युवाओं को रोजगार चाहिए वो भी देने में सरकार फेल है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब सरकार में आई थी तो उन्होंने वादा किया था, केंद्र सरकार में उन्होंने वादा किया था कि हर साल हम युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे और आज 10 साल पूरा हो चुका है, उनका 3.0 लॉन्च हो चुका है, तीसरी बार उनकी केंद्र में सरकार बन चुकी है। अगर उन्होंने अच्छे से काम कहीं ना कहीं किया होता तो आज हमारे देश का 20 करोड़ युवा कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा होता, उनका परिवार अच्छे से चल रहा होता, वो कहीं ना कहीं रोजगार में कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहा होता।